जैसे यहाँ पे आए और मैच चल रहा है, हमें तो पता नहीं था, जैसे बाहर से बाहर निकले तो हमने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, फिर हम आए तो बहुत अच्छा मैच चल रहा है और आज दिल खुश हो गया, बाकी लाइव मैच देखने का वो भी सपना पूरा हो गया। उधर रश है बहुत, कराची स्टेडियम बड़ा वाला स्टेडियम है तो उसमें नेशनल स्टेडियम में बहुत रश होता है, तो उधर नहीं जाते, अवॉइड करते हैं रश की वजह से। बाकी जो है इधर तो नज़दीक है, ये क्रिकेट स्टेडियम है, ग्राउंड है, इधर दिखाए कुछ इधर दिखाए हमारी ऑडियंस चल रहा है और ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आ रहा है। यासीन भाई है, यासीन भाई को भी मैंने बुलाया है। थैंक यू अता भाई, थैंक यू जी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं उठ गया हूँ अभी, मेरा ख्याल है कि दो या ढाई बजते होंगे और मैंने अपनी गाड़ी साफ कर ली, फिर नहाया हूँ, फिर इतने में भाभी का फ़ोन आ गया तो उसको कोई सामान चाहिए। काफ़ी लोग नाराज़ हो रहे थे कि उनको वीडियो में क्यों दिखाते हो आप, आपका हक नहीं है। चलो ठीक है, आगे से नहीं दिखाऊंगा उनको, आप खुश रहें, आबाद रहें, मगर उनके काम तो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। उनको अगर नहीं दिखा सकता या उनका नाम नहीं इस्तेमाल कर सकता, उनके काम तो कर सकता हूँ, उसको उसको आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो और मेरा और उनका मामला है, ठीक है। और आप लोग सोचते होंगे कि ये अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या अपने लिए अपने पैसों के चक्कर में ये कष्ट चीज़ कर लाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से और ख़ुशी से ज़िंदगी गुजर रही है। ये जो यूट्यूब वाला काम है ये सर दर्द है, ठीक है ना। काफ़ियों की नीयत पैसों को देख कर बदल जाती है, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा व्यूज़ के चक्कर में या किसी और चक्कर में। कोई भी मुझे कोई भी चीज़ गुमराह नहीं कर सकती, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर बहुत सारी बर्दाश्त है। और मेरा जो वालिद साहब है वो कुरान का हाफिज़ है, तो जब भी जाता हूँ तो वो ताकीद करता है कि बेटा किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के साथ किसी का बुरा नहीं सोचना, तो आपके साथ भी कोई कुछ भी बुरा नहीं होगा और मतलब है अल्लाह बेहतर करेगा मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। आपको ढेर सारे दुआएं और खुश रहें, आबाद रहें। फेरी का वक्त हो गया है और चने की दाल और बोनलेस हांडी और ये है दही और रोटी चाय, सब कुछ साथ लेके आया। यार ने सैरी जो हैदराबाद की थी ना दिनू, वो बहुत अच्छी की थी हमने, वो देख लेना आप वीडियो में, देखूंगा, बहुत अच्छी है। अरे जो हैदराबाद में सैरी की है ना वो आप वीडियो में देखेंगे, पराठे जो है ना वो बहुत अच्छे थे, हमने 10-12 पराठे दो बंदे खा गए थे। अच्छा, किसने बनाए थे? होटल के बच्चे हैं। और मतलब बहुत ज़बरदस्त, इतने मतलब मुलायम और इतने क्रिस्पी, क्या बात है। मैदे के हैं ना भाई। आज इसका फिर पेट्रोल लाइट आ गई है, तो पेट्रोल के पैसे भी कह दिए हैं भाभी को मैंने, तो वो भी दिलवा दी, पेट्रोल भी डलवा लूँगा जी। तो यहाँ से पेट्रोल भरवा रहा हूँ 1000 रुपये का, क्योंकि भाभी ने पैसे सिर्फ सामान के दिए हैं तो उसके अकाउंट में थे, फिर अगर जाना पड़ता उसको निकलवाने के लिए, मैंने कहा इसलिए ठीक है 1000 रुपये का डलवा लेता हूँ, ये काम तो कर दूँ फिर बाद में देखते हैं जी। तो मैं गिजरी जा रहा हूँ और सामान भी लेना है, सामान लेके फिर एक साहब था, दोस्त है मेरा, वो गया था उमरे, अगले दिन मैं उसको छोड़ने गया था एयरपोर्ट पे, तो वापस आ गया उमरा करके वापस आ गया है, तो उसके लिए फूल लेता हूँ, फूल लेके फिर उसके साथ मिलता हूँ, उसको मुबारकबाद देनी है, तो चलते हैं अभी गिजरी बस पहुँचने वाला हूँ, सामान लेके फूल लेके फिर वापस आता हूँ। यहाँ से तरबूज लेना है, एक तरबूज लेना है और एक गरमा लेना है और दही भी लेनी है और पानी लेना है, तो यहाँ से फ्रूट लेके चलते हैं फिर। यहाँ से गिजरी आया था तो एक पानी लेते थे उधर से, तो पानी वाला बंद हो गया है, तो यहाँ से फिर मैं लेता हूँ वहाँ से लेके फिर पानी, तो फिर चलते जी। तो सारा सामान ले लिया है मैंने और फ्रूट भी ले लिया है और पानी भी ले ली है दो बोतलें, तो अभी बस पहुँच गया हूँ, सामान देता हूँ फिर अपने काम से घर। शुक्र है काम सारे हो गए, और अगर किसी को एतराज़ है उनके काम करने से, अगर मैं ये काम करता हूँ अगर साजिद भाई नहीं होता, अगर ये भी किसी को एतराज़ है तो फिर वो कमेंट्स में ज़रूर बताए मुझे कि
मुझे पता लगे कि कितने आप लोग उनसे खुश हैं और कितने नाराज़ हैं। तो अल्लाह सबको हिदायत दे। घर से बैठ के मैं भी कमेंट्स लिख सकता हूँ, कोई भी कमेंट्स हो मैं लिख सकता हूँ, मसला नहीं है। और अल्लाह आप लोगों को समझ, मैं क्या कर सकता हूँ जी। तो इफ्तारी का टाइम हो गया है और आज तो खासा दोपहर तक सोया रहे मैं, और रात को नींद नहीं की, दो चार दिन की थकावट थी तो इस वजह से सोया रहे। तो आज दोपहर को उठा था तो अभी इफ्तारी का टाइम हो गया और आहिस्ता आहिस्ता सामान आ रहा है और इफ्तारी करते हैं, बस थोड़ा सा टाइम रह गया। ये है इफ्तारी का सामान, आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहा है तीनों भाई जी। तो कल बीफ पुलाव बनाया था, तो कल मैं था नहीं इफ्तारी के, दिलबर भाई के पास गया था इफ्तारी के लिए, तो मेरा हिस्सा पड़ा हुआ था। तो आज इफ्तारी के साथ लेके आए तो इकट्ठे खाते हैं। मैं तो इतना नहीं खा सकूंगा क्योंकि चावल में कम खाता हूँ जी। तो आज का शेयर है आप लोगों की समात की नज़र करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आज तक है दिल को उसके लौट आने की उम्मीद, आज तक ठहरी हुई है जिंदगी अपनी जगह। लाख चाहा है कि उसको भूल जाऊं, लाख चाहा है कि उसको भूल जाऊं, पर हौसले अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह है। क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है तो बेबस होता है, उसको बुला नहीं सकता। मैच हो रहा है, पता नहीं किसका हो रहा है, ये भी नहीं पता मुझे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्राउंड है मोइन खान अकेडमी का, बहुत ज़बरदस्त लुक है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा दोस्त पहले से बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता था, और हम लाइव मैच देख रहे हैं। शुरू हो गया फील्ड चेंज हो रही है, ये है वो पहले जो था लेफ्ट ही था, अभी वो राइट हैंड है। जोरदार अपील हुई मगर इंफार ने नॉट आउट दिया। ये दूसरे एंड से शुरू हो गई है, गुड बॉल, सिर्फ एक सिंगल है। ओ जबरदस्त कैच आउट हो गया, ये आउट हो गया, जबरदस्त। ये नहीं पता कि किस किस का मैच है, आपको पता है किस किस का मैच है? ये पता नहीं, एक ही टीम है भाई। अच्छा एक ही टीम है। अच्छा ये मतलब है वो रमजान की वजह से वो दोस्ताना मैच खेल रहे हैं। ठीक है ठीक है, जबरदस्त। ये एक आउट हो गया, कैच आउट हो गया और वो जबरदस्त यार। ये मैं 3-4 साल हो गए यहाँ पे रह रहा हूँ, तो कभी एक ऐसा मौका नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे आऊँ और ये लाइव मैच देखूँ। और उधर बड़े स्टेडियम में जो है काफ़ी, मतलब मेरा जो कज़न है वो डीसी के पास है, ड्राइवर है, तो उसने काफ़ी मरतबा मुझे इनवाइट किया कि मैंने टिकट फ्री की ली हुई है तो आप आ जाएं तो उधर जो है मैच देखते हैं। तो मैं कहता हूँ यार उधर रश होता है, इस वजह से मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर अभी पहली मरतबा यहाँ पर आया हूँ लाइव मैच देखने के लिए जी। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी मैच जारी है और पहली टीम खेल रही है, फिर दूसरी टीम खेलेगी, तो हम भी अभी थोड़ी देर में जाएंगे। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों से साथ होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।